हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ आपको ब्लीच किस तरह से अप्लाई करना है और जिससे किसी भी तरह के इन्फेक्शन ना हो। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ फैम का क्रीम ब्लीच। ये है फैम का क्रीम ब्लीच गोल्ड स्पेशल गोल्डन ग्लो विथ 24 कैरेट। इसके अंदर होता है एक क्रीम जो कि गोल्ड ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर पाउडर। इसे 21 रेशियो में आपको मिलाना है जिससे आपके चेहरे पर एचिंग ना हो, रेडनेस ना हो, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसलिए हमें 21 रेशियो में इसे मिलाना है। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। गोल्ड ब्लीच करने का सही तरीका क्या है और आप कितने दिनों में गोल्ड ब्लीच कर सकते हो, क्योंकि इसे हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहती है इतना जल्दी। और आपको गोल्ड ब्लीच करने से पहले प्री केयर क्या करनी है और पोस्ट केयर क्या करनी है, चलिए शुरू करते हैं। यह फैम का क्रीम ब्लीच, इसके अंदर होती है एक ब्लीच क्रीम और होता है एक एक्टिवेटर पाउडर। इसे हमें 21 रेशियो मिलाना। अगर हम कम मिलाएंगे तो हमारे हेयर्स, जो फेस के हेयर होते हैं, वो गोल्डन नहीं होंगे, और अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे इचिंग और चेहरे पर बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। सबसे पहले हमें लेनी है चीनी मिट्टी की कटोरी, या फिर आप कांच की कटोरी भी ले सकते हो। इस पर मैंने पूरी ब्लीच क्रीम निकाल दी है और ये जो एक्टिवेटर पाउडर है इसकी फुल क्वांटिटी है 3 ग्राम की, इसलिए मैंने इसमें 1 से 1.5 ग्राम के करीब ही अभी निकाला है। इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। एक्टिवेटर पाउडर को अच्छी तरह से क्रीम ब्लीच में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसे थोड़ी सी क्रीम को हाथ के इस पार्ट पर थोड़ा सा लगा करके टेस्ट कर लिया है और इसे 1 मिनट तक छोड़कर देखना है। अगर हमें कोई भी इचिंग वगैरह नहीं हो रही है तो हम इसमें थोड़ा सा और एक्टिवेटर पाउडर मिक्स कर देंगे। यहाँ पर 3 ग्राम में मैंने करीब 2.5 ग्राम के करीब एक्टिवेटर पाउडर मिक्स कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो कान के पीछे वाला जो पार्ट होता है वो भी बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पर भी लगा करके टेस्ट कर सकते हो। अब मुझे कोई भी इचिंग वगैरह नहीं हो रही है, इसे अब मैं फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, आप जो भी सोप या फेस वॉश यूज़ करते हो। फिर उसके बाद हमें चेहरे पर इस तरह से करना, आप चाहो तो हाथ से भी इस तरह से लगा सकते हो, मैंने हाथ से ही लगाया है। ये जो हमारे कान के पास के जो हेयर्स होते हैं यहाँ, इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पर लगाएं और सर के हेयर पर आप अप्लाई ना करें, नहीं तो वो भी गोल्डन कलर के हो जाएंगे। आईब्रो से थोड़ा दूर ही लगाएं। नेक एरिया पर भी इसे अप्लाई करेंगे। इस तरह से इसे 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ही फेस वॉश करेंगे। इसके साथ एक स्पैचुला मिलता है, मैंने उससे नहीं निकाला है, मैंने स्पून से ही फटाफट इसे निकाल लिया है जिससे जल्दी हो गया है। आप अगर ऐसे ही धोओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हो सके तो पहले क्रीम ब्लीच को रिमूव कर दें, उसके बाद ही फेस को अच्छी तरह से वॉश करें। मैंने सारी क्रीम निकाल दी है, मैंने पानी से अच्छी तरह से फेस को वॉश कर लिया है और टॉवल से पानी पोंछ दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आइस क्यूब, इसे फेस पर अच्छी तरह से मसाज करनी है। 1 से 2 मिनट मसाज करें। अगर आइस ज़्यादा ठंडे आपके चेहरे पर लग रही है तो आप इस तरह से कॉटन में ले करके इसे धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है चेहरे पर। आइस के बाद मसाज करने के बाद आप चेहरे पर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, और हो सके तो आपको 5 से 7 घंटे तक कोई भी चेहरे पर क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करनी है और कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है, और धूप पर भी आपको धूप पे नहीं जाना है। फेस हेयर मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हो सकता है कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस तरह से आप चाहो तो चेहरे पर थोड़ी देर मसाज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको चेहरे पर आपकी क्रीम ब्लीच यूज़ करनी है। तो इसके पहले बताया कि आपको आइस पैक आपके चेहरे पर लगाना है। अगर आइस पैक नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम फैम ब्लीच, कोई भी ब्लीच करने के बाद हम फेशियल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हो।
पर आपको ये ध्यान देना है कि फेशियल करवाएं या ब्लीच करें, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप ब्लीच करते हो तो आपको 5 से 7 घंटे तक धूप में नहीं जाना है, और आपको हो सके तो 8 से 10 घंटे तक आप फेस पर कोई भी सोप या फेस वॉश भी यूज़ ना करें। हो सके तो आप शाम के टाइम पे ही ब्लीच का यूज़ करें, क्योंकि शाम के टाइम पे धूप नहीं, क्योंकि हमें अचानक से हो सकता है 5-10 मिनट के लिए धूप पर जाना पड़े, पर उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपके चेहरे पर रेडनेस हो सकती है। अगर आपके चेहरे पर कोई भी रेडनेस या इचिंग वगैरह हो रही है, मतलब ब्लीच यूज़ करने के बाद भी रेडनेस, तो आप आइस क्यूब को चेहरे पर लगाएं, जेल भी लगाएं, सबके चेहरे पर कोई इचिंग या रेडनेस नहीं होगी। ब्लीच आप 2 से 3 महीने में एक बार करवा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर यहाँ पे बहुत सारे फेस हेयर हैं तो आप 1 से 1.5 महीने में करवा सकते हो, पर एक में कम से कम 1 महीने का आपको गैप तो रखना ही चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर हाँ, आप ये आपके चेहरे के जो हेयर होते हैं उसको गोल्डन करता है अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा है, तो आप 1 महीने में, नहीं तो 2 से 3 महीने तक भी अवॉइड कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ब्लीच की ज़रूरत नहीं रहती है फेस पर। तो मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारियाँ आपको दे दी हैं। अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।